इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरे ही घर में आकर मुझे ही ताने दे रहे हो तुम। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं जरा भी लिहाज नहीं करूंगा। आपने तो अपनी पुत्री का भी लिहाज नहीं किया, एक स्त्री का भी ध्यान नहीं दिया, तो आपसे भला मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं। निकल जाओ यहां से, वरना मैं। वरना क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कुंती की कमी ने तुम्हें खोखला कर दिया है। अब तुम इन दीवारों में बंद कंगाल हो। कंगाल जो इस घर की परी थी वो तो उड़ गई है। अब जीवन भर तुम प्रायश्चित करोगे, सिर्फ प्रायश्चित। जिसे तुमने ठुकरा दिया है उसकी खुशी क्या बांटोगे? इन्हें मैं गरीबों में बंटवा दूंगा। कम से कम कुंती के पुत्र को उनका आशीर्वाद तो प्राप्त हो जाएगा। कुंती को तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब से मैं उसका धर्म पिता हूं। समझे तुम? और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि कुंती के नाम के आंसू जो तुम्हारी आंखों में हैं आज, वो बहेंगे और जरूर बहेंगे, किसी के सामने ना सही, अकेले में। तुम रोगे और जी भर के रोगे, ध्यान रखना। कुंती बधाई हो। प्रभा बैठना। मुझे पता चला तो आश्रम से भाग के आई, रास्ते में ये फूल दिखे, सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। खाली हाथ कैसे आती? लो ना। थैंक यू प्रभा, यहाँ में रखती हूँ। बहुत सुंदर है। लेकिन प्रभा, मेरे लिए इन फूलों से बढ़कर तुम्हारा प्यार है। आश्रम में एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकती हूँ। ये बता, माँ बन के कैसा लग रहा है? तू भी तो माँ बनने वाली है, फिर खुद ही महसूस कर लेना कि माँ बनकर कैसा लगता है। मेरी छोड़, अपनी सुना। मेरे लिए तो ये बोझ है जिससे जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं बोलते प्रभा, जिसे इतनी देर तक सजोकर रखा है उसे इस दुनिया में लाने में तुझे जरा सी भी खुशी नहीं होगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तो इसे जन्म ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। खैर, मैं तो इसमें खुश हूँ कि तू खुश है, तू माँ बन गई। माँ बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता प्रभा। जब मैं हॉस्पिटल में आई ना तो मुझे इस कदर दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं और मेरा बच्चा जीवित नहीं बचेंगे। हाँ, मैंने सुना ऑपरेशन करना पड़ा। औरत कितनी तकलीफ सहती है, ये तकलीफ जब उन मर्दों को सहनी पड़ेगी ना तब होश ठिकाने आएंगे उनके। लेकिन एक माँ बनने का सुख भी तो एक औरत को ही हासिल होता है, मर्द को नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन अपने बेटे को तो दिखा, गोदी में ऐसे छुपा कर बैठी है जैसे कोई लेकर भाग जाएगा। मैं तो यूं ही लिए बैठी थी, ये तो जब देखो तब सोता ही रहता है। ये ले, संभाल के। कुंती, ये कितना सुंदर है, प्याला प्याला। देख, प्रभा मौसी आई है। हाँ बेटे, अब तुम्हें अपनी माँ और हमारे जैसी मौसियों के बीच ही तो पलना है। जिन रिश्तों की तुम्हें जरूरत है वो रिश्ते तो कहीं लापता हो चुके हैं। जिस बच्चे ने इस दुनिया में अपनी आंख खोल दी उसके लिए माँ से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता प्रभा। माँ के साथ साथ इस दुनिया में जीने के लिए बाप का नाम भी जरूरी है। क्यों? जिन बच्चों के बाप नहीं होते वो क्या जीते नहीं है? मैं अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। कुंती,
ऐसे मौके पे मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे तुझे तकलीफ हो। तू खुश है तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अच्छा ये बता, हॉस्पिटल में ढंग का खाना मिलता तो है ना, या मैं आश्रम से ले आऊँ? नहीं, यहाँ खाना मिलता है। अरे यहाँ का खाना तो मरीजों का खाना होता होगा। जब तक इस हॉस्पिटल में हूँ मरीज ही तो हूँ। कब तक रखेंगे तुम्हें यहाँ? पता नहीं, शायद सरला दीदी को मालूम हो। कुंती, तुम्हारे बाबूजी को ये खबर किसी ने दी? जिनके लिए मैं मर चुकी हूँ उन्हें ये खबर देकर भी क्या होगा पापा? लेकिन बताना तो चाहिए था ना, शायद ये खबर सुन के उनका दिल पिघल जाए। आखिर बाप है तुम्हारे। अगर कुंती के बेटे को देखने की इतनी उत्सुकता है तो अंदर जाकर देख लो। पागल हो गई है तू? मैं उसकी बेटी को देखने नहीं आया हूँ, समझेगी नहीं? उससे बेहतर तुम्हें कौन समझेगा। जो दिल में ख्वाहिश लेकर आए हो उसे जाहिर करने में शर्मिंदगी कैसी? आखिर कुंती तुम्हारी बेटी है। ये मेरे रिश्ते की पहचान कराने की जरूरत नहीं है, समझे? तो फिर यहाँ खिड़की से अंदर क्या देख रहे थे, या तमाशा हो रहा है? तमाशा दिखाने की तेरी पुरानी आदत है, मुझे कोई शौक नहीं है इसका। गजेंद्र, तुम्हारे शौक तो मुझे भी पता है। उन्हीं के चलते कुंती की माँ मर गई और कुंती की वो हालत कर दी कि उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी जुबान को लगाम दे सरला, वरना तो अच्छी तरह जानती है कि अगर मैं अपनी पर आ जाता हूँ तो किसी का लिहाज नहीं करता। लिहाज तो तुमने अपने पैदा किए का नहीं किया तो मेरा क्या करोगे? सच्ची बात को स्वीकारते क्यों नहीं हो कि तुम कुंती के बच्चे को देखने आए हो? कहाँ ना, मैं बच्चे को देखने नहीं, अपने काम से आया हूँ। क्या काम है, जरा मैं भी तो सुनूं। तुझे बताना जरूरी है क्या है? मेरी अपनी मर्जी है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। ये तेरा कोई आश्रम नहीं है जहाँ तेरा ऑर्डर चलता हूँ। ये बेवजह तेश में आना ये साबित करता है कि तुम अपनी बेटी के रिश्ते और प्यार के आगे हार चुके हो। तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तुम हार गए हो गजेंद्र, तुम हार गए हो। गजेंद्र जिस दिन हार गया ना ये दुनिया छोड़ जाएगा। ये रिश्ते माया मोह की कमजोरी नहीं पाल रखी है मैंने। तो साफ बताते क्यों नहीं कि क्यों यहाँ आए हो? देख रही है, एक हॉस्पिटल है और मैं डॉक्टर हूँ, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो इस खिड़की पर खड़े क्या देख रहे थे? क्या मेरा पेशेंट एडमिट है और मैं ये देख रहा था कि कहीं वो इसी वार्ड में तो नहीं है। क्यों झूठे बहाने बना रहे हो? अगर तुम ये कहते कि कुंती से मिलने आए हो तो बाप का कद छोटा नहीं हो जाएगा, तुम्हारी शान कम नहीं होगी। मैं कहने से मान लूं, वाह। गजेंद्र, अब भी मौका है, बहाना कुछ भी बनाओ। जब आ ही गए हो तो कुंती और उसके बच्चे को आशीर्वाद दे दो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इस मैटरनिटी वार्ड में तुम अपना पेशेंट ढूंढने आए हो? तुम्हारा पेशेंट कोई औरत है क्या? मर्दों का वार्ड तो उस तरफ है।
है सब कुछ, मुझे गलत फहमी हो गई थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस प्लीज। दो मिनट में आपसे बात कर सकती हूँ? आइए। अच्छा ये बता, शीला और रमा अभी भी वैसे ही झगड़ा करते हैं? फिर क्या, वो झगड़ने से बात थोड़ी आएंगी। मेरे बाबूजी मुझसे मिलने आए हैं। तुम कहाँ उठ के जा रहे हो, बैठे रहो। अरे वो चले जाएंगे। अगर वाकई वो तुमसे मिलने आए हैं तो आ जाएंगे यहाँ पे। तुम बैठे रहो। नहीं प्रभु, तुम बैठे रहो। मतलब है वो तुमसे मिलने नहीं आए थे। दी, हो सकता है तुमने जिन्हें देखा वो कोई और हो, तुम्हारे बाबूजी नहीं। कैसी बातें कर रही हो प्रभा? 3 महीने मैं अपने घर से बाहर क्या रही, मैं अपने बाबूजी को नहीं पहचानूंगी? फिर तो बहुत पत्थर दिल है तुम्हारे बाबूजी। वो क्या इस उम्मीद में यहाँ थे कि उन्हें देखकर तुम इस हालत में उनके पास दौड़ के जाओ और उनके पैरों में गिरो? कम से कम एक बार उनसे मिल तो लेती, आंखों से जी भर कर उन्हें देख तो लेती। शायद वो मुझे माफ कर दे। माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। बाप के होते हुए तुम्हें इस तरह से जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि ऐसे मैं अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखे? प्रभा, मैं अपने बाबूजी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वो अपनी कमजोरियों को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके मन में अगर मेरे प्रति प्यार है भी, तो भी वो उसे कभी जाहिर नहीं होने देंगे। तो फिर फायदा क्या? अगर उनके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार होता ना, तो कब का तुम्हें आश्रम से अपने घर ले गए होते। ये तो सिर्फ औरत ही है जो हर रिश्ते को मोहब्बत से निभाती है। मर्द के पास सिर्फ अपनी अकड़ होती है और अपनी अकड़ के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता। हो सकता है बाबूजी मन ही मन पछता रहे हो, आखिर मैं उनके खून का हिस्सा हूँ, बेटी हूँ मैं उनकी। ये तुम्हारा भ्रम है कुंती। अगर उनके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार होता ना, तो वो आज तुम्हारे सामने बैठे होते। ना उनको तुम्हारी खुशी का ख्याल है, ना तुम्हारा। मैं इस बात को नहीं मानती प्रभा। बाबूजी मुझसे मिलने के लिए इस हॉस्पिटल में आए थे। तो फिर मैंने तुम्हें रोक के बहुत बड़ी गलती की कुंती। मेरा तो ये ख्याल था कि लोग हॉस्पिटल में मरीज को देखने आते हैं, ना कि मरीज खुद अपने बिस्तर से उठ के लोगों को मिलने जाता है। सरला दीदी बाहर थी, वो जरूर बाबूजी से मिली होंगी। सरला दीदी बाहर थी, वो जरूर बाबूजी से मिली होंगी। अब उनके आने पर ही पता चलेगा। मैं निकलती हूँ। हाँ क्यों? आश्रम भी तो लौटना है ना। सरला दीदी ने पहले ही हिदायत दी थी कि ज्यादा देर वहां मत बैठना, और अगर वो यहाँ आ गई तो बेकार ही खिटखिट हो जाएगी ना। तो इधर रुकना। अगर मैं रुकूंगी तो बकबक करूंगी और तुम्हें आराम नहीं करने दूंगी। तू आई है ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, कम से कम समय तो कट रहा है ना। समय काटने के लिए भगवान ने तुम्हारे गोदी में एक नन्ना मुन्ना खिलौना जो दिया है, उसी के साथ वक्त काट लेना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं कल फिर आऊंगी। मैं निकलती हूँ। सारा दिन इसी तरह अपने बेटे के पास खड़ी रहती हूँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। देखो तुम्हारे लिए सारी दवाइयाँ लाई हूँ, इसे सुबह दोपहर शाम याद से लेना। जी। क्या हुआ, कोई तकलीफ है? नहीं। बस वो टांके वाली जगह थोड़ी दुख रही है। डॉक्टर कहते हैं इसे सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन उठते बैठते समय ध्यान रहे कहीं खुल ना जाए।
क्या कह रहा हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना? तंग तो नहीं करता ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बस सोता ही रहता है। हाँ जब थोड़ी भूख लगती है तब जरूर कुनकुन करता है। ये तो सभी छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन ध्यान रहे गीले में ना पड़ा रहे। जी मैं ध्यान रखूंगी, आखिर माँ हूं मैं इसकी। सरला दीदी, आप बाहर थी, बाबूजी आए थे क्या? आपने उन्हें देखा? तुम्हारी नजर उन पर कब पड़ी? जब वो दरवाजे से गुजर रहे थे तब मैंने उनकी एक झलक देखी। क्या वो सचमुच आए थे?